A very warm good morning to everyone. Today, I, Bhavna Sharma, journalist at FairGaze, is present with the Deputy Chief Minister of Delhi, Mr. Manish Sisodia. Welcome, sir. Thank you very much. And sir, a very, very congratulations to you for the brilliant performance of all the class 12th and 10th students of Delhi. Thank you very much. Actually, the credit goes to all the teachers and the students who actually worked hard. No doubt, but you have also put on a lot of efforts to... Yeah, my role is a role of catalyst only. I work like a catalyst because the students and teachers, they have to work hard. Yes, and sir. I have to create the ambience for that hard work. तो सर जैसा हम जानते हैं क्लास 12th और 10th का रिजल्ट आया है और इस बार तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट रहा है. इनफैक्ट क्लास 12 का 94.29% पास परसेंटेज रहा है. तो आपको क्या लगता है कि आपने जितना भी पिछले कई टाइम से जो एजुकेशन सेक्टर में अपना हार्डवर्क जो लगाया वो अब जाके आउटशाइन और विजिबल हुआ है? चार साल पहले हम लोगों ने शुरू किया था जब हम सरकार में आए थे और उस वक्त दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत बहुत ख़राब थी. मकड़ी के जाले लगे रहते थे कमरों में, टूटे फूटे कहीं डेस्क होते थे, जहाँ होते थे वहाँ टूटे फूटे होते थे, अव्वल तो होते ही नहीं थे. पीने का पानी कहीं नहीं था, स्कूल में वाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड नाम की चीज़ें नहीं होती थी, मतलब इतना ख़राब हालत था. टॉयलेट्स स्टिंकिंग रहते थे, एक एक कमरे में 150 बच्चे, 200 बच्चे, इस तरह से एनरोलमेंट था. तो उस सब और टीचर्स, जब इस तरह का माहौल था तो टीचर्स का भी पढ़ाने में मन नहीं लगता था. तो उस पूरे माहौल को बदलने में चार साल लगे, लेकिन मुझे खुशी है कि आज हर एक गवर्नमेंट स्कूल टीचर अपने आप को प्राइड महसूस करता है अपने आप. नो डाउट. हर बच्चा अपने आप में महसूस करता है. पेरेंट्स जिनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको ये शर्म नहीं है, उनको झिझक नहीं है कि हमें मजबूरी में गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना पड़ रहा है. सही बात है. तो 94.27% रिजल्ट, हमने नहीं सोचा था कि इतना जल्दी आ जाएगा. और सर जैसा कि अभी अभी एक न्यू करिकुलम आया है, हैप्पीनेस करिकुलम, जो कि बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है. इनफैक्ट दिल्ली को देख के और भी राज्यों ने उसको अडॉप्ट करना स्टार्ट किया है. तो वो आइडिया आपको कहाँ से आया और उसके पीछे क्या स्टोरी रहा एंड व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट? देखिए, एक हमारा अंडरस्टैंडिंग है कि व्हाट इज़ द अल्टीमेट पर्पज़ ऑफ एजुकेशन. अल्टीमेट पर्पज़ ऑफ एजुकेशन इज़ नॉट टू नो समथिंग, इट्स नॉट टू गेट अ जॉब, टू गेट अ करियर आउट ऑफ द एजुकेशन. That is one byproduct of education. The ultimate purpose of education is that how to live happily and how to live others to live happily. That's the one. आप डॉक्टर बनते हैं, मैं खुशी से कैसे जीऊँ और दूसरों को खुशी से जीने में मदद कैसे करूँ. आप बिजनेसमैन बनते हैं, आप आईएएस बनते हैं, आप वकील बनते हैं, आप जज बनते हैं, पत्रकार बनते हैं, इसलिए बनते हैं कि आप खुद खुशी से जी सकें और अपने प्रोफेशन से, अपने नॉलेज से दूसरों के खुशी से जीने में मदद कर सकें. सही बात है. सो पूरा हैप्पीनेस का हमारा सोल पर्पस ये है, ड्राइविंग फोर्स ये है कि एजुकेशन हैप्पीनेस नहीं दे रही थी, एजुकेशन टेंशन दे रही है, एजुकेशन कंपटीशन दे रही है, कंपटीशन में टेंशन है, फिर हैप्पीनेस कहाँ से आएगा? तो हमने इमोशनल साइंस, जो इंडिया की बहुत पुरानी साइंस है, ये मटेरियल साइंस का स्टडी तो दुनिया में 300-400 साल पुराना है. एटम का स्ट्रक्चर डॉल्टन और इन सब लोगों ने शुरू किया. इमोशनल साइंस हमारे यहाँ आर्यभट्ट ने शुरू की 1500-2000 साल पहले, तब उन्होंने शून्य की खोज की और स्पेस, शून्य, इन सब, तो वो माइंड को लेके. फिर भारत का इतिहास रहा है बुद्ध से लेके, गीता से लेके, सारे जितने, मैं धर्म की बात नहीं करूँगा लेकिन धर्म के पीछे के विज्ञान की बात करूँगा. तो वो स्पिरिचुअल साइंस जो है, वो इमोशनल साइंस जो है, वो हमारी ताकत रही है. तो हमने उस इमोशनल साइंस को कंबाइनिंग विद नॉलेज ऑफ मटेरियल साइंस, दोनों को क्लब करके हैप्पीनेस करिकुलम डिजाइन किया है. ट्रू सर, ये तो बात रही कि हैप्पीनेस करिकुलम है क्या, लेकिन हम कुछ भी, अगर कोई भी चीज़ न्यू लाते हैं उसका हर चीज़ का एक आउटकम रहता है. जैसे कि जो भी आपने एफर्ट्स लगाए क्लास 12th के 10th के रिजल्ट्स का जो आउटकम रहा, उस बेसिस पे हम सक्सेस और फेलियर को रेट करते हैं. तो हैप्पीनेस करिकुलम का आउटकम आप कैसे देखते हैं? हैप्पीनेस करिकुलम का आउटकम मैं दो तीन चीज़ों में देखता हूँ. एक तो बच्चों के अपने अंदर वो थोड़ा जो एंग्जाइटी है ना, वो कम हो रही है. राउडीनेस कम हो रही है, वो एक दूसरे के प्रति नफरत, एक दूसरे के प्रति लड़ने झगड़ने की भावना, चीज़ों को तोड़ने फोड़ने की भावना, वो कम हो रही है. दूसरा, पेरेंट्स के प्रति रेस्पेक्ट बढ़ रही है, टीचर्स के प्रति रेस्पेक्ट बढ़ रही है. और तीसरा, वो जब वो बहुत शांत रह के किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो फिर ठीक से पढ़ पाते हैं, क्योंकि उनको किसी भी सब्जेक्ट को समझना, किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी इशू में, टॉपिक में डीप डाइव करना तभी पॉसिबल है जब वो शांत होंगे. अशांत मन कभी भी ठीक से पढ़ाई नहीं कर सकता. सही बात है. तो इसमें हैप्पीनेस में हमने क्या किया है कि इसके दो तीन कंपोनेंट हैं. मैं आपको बताऊं कि एक तो हम माइंडफुलनेस सिखाते हैं इसमें. तो हमारे 10 लाख बच्चे हैं
नर्सरी से लेके और केजी तक, नर्सरी केजी से लेके और आठवीं तक में हमारे 1000 स्कूल्स में, इन 10 लाख बच्चों को रोजाना 20,000 टीचर्स, क्योंकि 20,000 क्लासरूम्स में बैठते हैं, एक हैप्पीनेस का पीरियड कराते हैं रोजाना। 35-45 मिनट का पीरियड होता है। इस 45 मिनट में शुरू का 5 मिनट माइंडफुलनेस होता है। तो बच्चे बैठते हैं, माइंडफुल लिसनिंग, माइंडफुल ईटिंग, माइंडफुल थिंकिंग, माइंडफुल सिटिंग, इस सब की प्रैक्टिस होती है। 5 मिनट के बाद जब बच्चे एक तरह से सैनिटाइज हो जाते हैं थॉट से, सारे झंझट से, झगड़े झंझट से, उसके बाद हम बच्चों के साथ कुछ स्टोरीज, कुछ एक्टिविटीज उस तरह की करते हैं। तो इनके आउटकम इस तरह से आ रहे हैं कि पेरेंट्स फील कर रहे हैं कि हमारे बच्चों के अंदर चेंज आ रहा है, टीचर्स और प्रिंसिपल्स फील कर रहे हैं कि हमारे जो बच्चे वॉशरूम की टोंटियां तोड़ देते थे, अब उनके अंदर बिहेवियरल चेंजेस आ रहे हैं। छुट्टी के वक्त एक दूसरे की लड़ाई झगड़े जितने होते थे वो कम हुए हैं, ऐसा टीचर्स का ऑब्जर्वेशन है। Okay, well, well done, sir. Well done for this. In fact, that's much needed. Sir, अब जैसा कि हम जानते हैं कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स किए हैं, मतलब बिल्डिंग्स को देखा जाए, क्लासरूम्स, वॉशरूम्स, इवन स्टाफ केबिन्स, प्रिंसिपल रूम, सब में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं क्वालिटी एजुकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ये तो ये सब बाहर की बात हुई, लेकिन अंदर जो क्वालिटी एजुकेशन है उसके लिए भी आपकी गवर्नमेंट हमेशा से ही उस पर बहुत एम्फसाइज करती रही है, तो उसके लिए क्या प्लानिंग की जा रही है? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन नहीं है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी था और हमने शुरू के 2-3 साल में उस पर काम किया। तीसरे चौथे साल से हमने क्वालिटी एजुकेशन को छूना शुरू किया है। हैप्पीनेस करिकुलम उसका एक पार्ट है। हमने एग्जामिनेशन पैटर्न चेंज किया है हमने, क्योंकि रोट लर्निंग का एग्जामिनेशन आप लोगे और फिर बच्चों को कहोगे या टीचर को कहोगे रोट लर्निंग नहीं होना चाहिए। अगर आपका एग्जामिनेशन रोट लर्निंग बेस्ड होगा तो बच्चा और टीचर तो रोट लर्निंग बेस्ड ही पढ़ाई करेंगे। आप अपने एग्जामिनेशन सिस्टम को चेंज करिए, बच्चा अपने आप प्रैक्टिकल लर्निंग पे आए। जैसे 2+2=4 है, ये रखना है रोट लर्निंग है। बट एक सिंपल दो आदमी और दो आदमी, बच्चा आराम से गिन सकता है, 4 समझ भी सकता है। अब आप एग्जामिनेशन में अगर दो आदमी जोड़ के पूछेंगे तो बच्चे मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज ले सकते हैं, फिर वो क्लास में भी प्रैक्टिकल करेगा। आप 2+2=4 एग्जामिनेशन में पूछेंगे, बच्चा 2+2 यहाँ रटेगा। तो जिस तरह का परीक्षा लेते हैं उसी तरह का बच्चा क्लासरूम में पढ़ता है या टीचर उस तरह से पढ़ाता है। तो एक रिफॉर्म ये किया हैप्पीनेस करिकुलम। तीसरा एंटरप्रेन्योरशिप करिकुलम में हम बड़ा प्रयोग कर रहे हैं। I was about to come to that point only. So what is it all about entrepreneurship curriculum और कैसे इसको, क्योंकि recently आपने state भी किया था कि हमें job seeker से ज़्यादा job providers बनाने की ज़रूरत है, तो I guess entrepreneurship curriculum is all about that. So what is it? Exactly. देखिए, अभी दिल्ली के government, private सारे schools में मिला के 40 लाख बच्चे पढ़ते हैं। हर साल हम करीब 2.5 लाख बच्चे अपने स्कूल से पास आउट करके भेजते हैं। आप किसी भी स्कूल में जाके ये क्वेश्चन करिए कि आप में से कितने बच्चे जॉब करना चाहते हैं। 99.9% केसेस में बच्चे कहते हैं हम जॉब करना चाहते हैं। प्रॉब्लम ये है कि अगर 40 लाख बच्चे जॉब सीकर बनेंगे तो जॉब प्रोवाइडर कौन बनेगा? ट्रू। फिर जॉब देने वाले लोग कहाँ आएंगे? जॉब देने वाले लोग अमेरिका में रहेंगे, जॉब देने वाले लोग यूरोप में रहेंगे। हमारा बच्चा हम बढ़िया से बढ़िया पढ़ा के उसको IIT IIM भेजेंगे, वहां से वो एक जॉब प्रोवाइडर जो यूरोप के किसी देश में बैठा है उसकी कंपनी में नौकरी करेगा। नुकसान क्या है? पहली बात तो हमारा ब्रेन ड्रेन हो गया, जिसके लिए हमेशा सोचते हैं। दूसरी बात, इकोनॉमी में हमारी कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ। हमने सबसे बढ़िया एजुकेशन दी अपने बच्चे को और वो प्रॉफिट करवा रहा है अमेरिका की एक कंपनी को। आज अमेरिका की कंपनी में बैठा काम कर रहा मेरा एक बच्चा, देश का एक नौजवान जिसको हमने IIT IIM से पढ़ा के निकाला। जब कोई प्रोडक्ट बनाता है वो प्रोडक्ट दुनिया में कहीं भी बिकेगा, वो एशिया के किसी कंट्री, जापान में बिकेगा। इंडिया का बच्चा बना रहा है प्रोडक्ट, अमेरिका का है, जापान में बिकेगा, प्रॉफिट जापान को जा रहा है, अमेरिका को जा रहा है। इंडिया में भी बिकेगा तो प्रॉफिट अमेरिका को जा रहा है। तो इंडिया की इकोनॉमी डाउन जा रही है उसकी वजह से। तो फ्रॉम जॉब सीकर्स इकोनॉमी टू जॉब प्रोवाइडर्स इकोनॉमी, इंडिया को हमें बदलना है। और जिस दिन हम इस रास्ते पर चल पड़े उस दिन ना जॉब्स की कमी रहेगी, ना इकोनॉमिक ग्रोथ की कमी रहेगी। और जब तक हम इस दिशा में नहीं चलेंगे तो वो जो माइंड सेट है, अभी बच्चा सोचता है कि मुझे पढ़ना है नौकरी लेने के लिए। हम बच्चे के अंदर ये भावना डालना चाहते हैं कि पढ़ लो, जिंदगी में नौकरी भी की जा सकती है और अपना काम भी किया जा सकता है, और दोनों की बराबर की डिग्निटी है। नो डाउट, थैंक यू सो मच सर। सर, इसके अलावा जैसा कि अभी आपने बताया कि हम ये जो बच्चों को हम उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आगे बढ़े, तो क्या जो एजुकेशन सिस्टम में पॉजिटिव रिवैम्प या चेंजेस होते जा रहे हैं, जिस स्पीड से इनफैक्ट वो चेंजेस हो रहे हैं, तो क्या हम आने वाले टाइम पे जो अब्रॉड की एजुकेशन है उससे कॉम्पीट कर सकेंगे?
देखिए हैप्पीनेस करिकुलम ऐसी चीज़ है जिसके बेस पे अभी इंटरनेशनल अटेंशन है. ओके. आज अमेरिका के हार्वर्ड जैसे विश्वविद्यालयों में, यूरोप के कैम्ब्रिज जैसे विश्वविद्यालयों में लोग इस बात को लेकर क्यूरियस हैं, फिनलैंड जैसे देश में कि यार ये हैप्पीनेस करिकुलम दिल्ली में चल रहा है इसमें क्या है. चाइना से, जापान से, अफगानिस्तान से लोग आ रहे हैं कि ये हैप्पीनेस में क्या है. देश के कई राज्यों से आ रहे हैं. सवाल हमें कॉम्पीट करने का नहीं है, सवाल ये है कि क्या भारत का एजुकेशन सिस्टम दुनिया को वायलेंस का सॉल्यूशन दे सकता है. क्योंकि आज सारी दुनिया हेट्रेट और वायलेंस का सॉल्यूशन ढूंढ रही है. मैं मॉस्को गया था, वहाँ पर एक एजुकेशन मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस थी. वहाँ पर 45 देशों के शिक्षा मंत्री आके चर्चा कर रहे थे कि आपने वो अपना अपना देश का बता रहे थे कि हमने किस तरह से टेक्नोलॉजी को अपने अंदर इंक्लूड किया है, अपने करिकुलम में इंक्लूड किया है, क्लासरूम को कितना हाईटेक बनाया है. तो मैंने उनसे कहा कि 45 देशों के शिक्षा मंत्री बैठ के ये चर्चा करें कि हमने मार्केट को कितना अपने स्कूल में जगह दिया है, ठीक नहीं है. हमें शिक्षा मंत्रियों को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर ये चर्चा करनी चाहिए कि दुनिया आतंकवाद से जूझ रही है, दुनिया की सरकारें आतंकवाद रोकने में फेल हुई हैं. क्या शिक्षा जगत और खासतौर से शिक्षा मंत्री ये जिम्मेदारी उठाने को तैयार है कि दुनिया में हम शिक्षा के जरिए आतंकवाद रोकेंगे? क्या पॉल्यूशन की समस्या, करप्शन की समस्या जिसको हम बड़े बड़े कानून बना के, बड़े बड़े प्रोटोकॉल बना के नहीं रोक पा रहे, क्या हम दुनिया के शिक्षा मंत्री इस बात पे चिंता करके कोई सॉल्यूशन देने को तैयार हैं? तो 45 देशों के उस सम्मेलन में बात हुई और काफी लंबी चर्चा हुई और उन्होंने माना हाँ बात तो ठीक है तो करते हैं. वहां से आके मैंने हैप्पीनेस करिकुलम डिजाइन किया. तो दुनिया में आतंकवाद का समाधान जब भी निकलेगा शिक्षा से निकलेगा, दुनिया में पॉल्यूशन का समाधान, नफरत का समाधान जब भी निकलेगा शिक्षा से निकलेगा, और हैप्पीनेस करिकुलम उसमें एक माइलस्टोन साबित होगा. ओके, वेल सेड सर. थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग योर व्यूज विद अस. एंड आपने बिल्कुल सही कहा कि एजुकेशन वो रेवोल्यूशन रहेगा जो कि सारी चीज़ों में बदलाव ला सकेगा. इंस्टेड ऑफ कि हम एक एक पैरामीटर को जज करें उसके लिए पॉलिसीज लाए, उससे बेटर है कि हम एजुकेशन पे वर्क करें. वेल सेड सर, थैंक यू सो मच फॉर योर व्यूज. थैंक यू सो मच टू ऑल द लवली ऑडियंस फॉर वॉचिंग अस. एंड इफ यू वॉन्ट टू नो मोर अबाउट द डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली देन प्लीज लॉग ऑन टू www.fairgaze.com एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.